अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने काइनेटिक मॉडल थ्योरी के 4 पॉइंट्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, और आज की इस क्लास में हम बाकी के जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स होंगे उनको जो है अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो के आखिर में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जितनी भी गैसेज हैं यूनिवर्स में, तो उनको हम रियल गैस कहते हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और HCl गैस है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, गैसेज हैं। लेकिन हमारे पास कुछ गैसेस इनमें ऐसी होती हैं जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को ऑर्डिनरी कंडीशन के ऊपर जो है वो फॉलो कर रही होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही होती। तो जो फॉलो कर रही होती हैं उनको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास आइडियल गैसेज हैं, और जो फॉलो नहीं कर रही होती तो हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो नॉन आइडियल गैस है। फॉलो करने वाली आइडियल गैस है, ना करने वाली नॉन आइडियल गैस है। ठीक है, तो अब हमने इस पॉइंट को पढ़ना है। इन आइडियल गैस देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, यानी जो भी हमारे पास आइडियल गैसेज हैं उन आइडियल गैसेज के मॉलिक्यूल के दरमियान ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर आमतौर पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, अब सपोज के हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है और उस पर कोई चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो उसके ऊपर मौजूद है। अब अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो जाहिर सी बात है जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर भी चार्ज होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। अब इनके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, इस अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल जो मूव करता हुआ इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रहा था, और इसके टकराने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी असल से कम हो जाएगा। यानी कोई चीज है और वो बहुत तेजी के साथ जा रही थी और अपनी जो स्पीड थी अपनी स्पीड के साथ वो जाके टकरा गई, जब अपनी एक्चुअल और रियल स्पीड के साथ टकराएगी तो उसका कोई ना कोई जो होगा वो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यही कोई चीज है और वो जा रही है, और जाने के बाद जो है पीछे से कोई उसको खींच रहा है, तो पीछे से खींचने की वजह से जो इसकी असल वेलोसिटी होगी वो असल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो यही वजह है कि वो गैसेस जो आपके पास नॉन आइडियल होती हैं, नॉन आइडियल का मतलब उनके दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की वजह से तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से जो उनका जो एक्चुअल प्रेशर आना चाहिए वो एक्चुअल प्रेशर नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के दरमियान कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती नहीं है। अट्रैक्टिव अगर होगी तो वो उसकी वेलोसिटी को कम कर देगा, रिपल्सिव होगी तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा, तो जो असल प्रेशर आना चाहिए वो असल प्रेशर नहीं आता। तो ये पॉइंट है, इन एन आइडियल गैस में देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, कोई ऐसी फोर्स होती नहीं है मॉलिक्यूल के दरमियान में। दस ईच मॉलिक्यूल एक्ट क्वाइट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी हर मॉलिक्यूल आजादाना तौर पर जो है वो मूव कर रहा होता है, हर मॉलिक्यूल की अपनी एक स्पीड होती है, हर मॉलिक्यूल जो है वो अपनी मर्जी से कंटेनर के अंदर मूव कर रहा होता है। तो जब हम उनका बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ की मदद से उनका जो है वो टेम्परेचर की का जो हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक्चुअल हमें आसानी से हम क्या कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आमतौर पर बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सर ये हमारा क्या था, फिफ्थ पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि ये कंटेनर आपके पास मौजूद है और इसके अंदर गैस के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद है। अब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद हैं, अब हम ये पढ़ के आए हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। और आपके पता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने की वजह से उनके पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन तमाम मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती, किसी की ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। जैसे हम अगर आप अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी देखें तो किसी सब्जेक्ट में आपके ज्यादा मार्क्स होते हैं
और किसी सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं, तो फिर आप एवरेज निकालते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यानी ये कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये मौजूद है। जब आपने इनको हीट किया, जब आपने इनका टेम्परेचर बढ़ाया, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हम किचन में अपना पानी को बॉयल करते हैं, तो बॉयल करने के नतीजे में होता ये है कि वो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो नीचे मौजूद होते हैं, वो नीचे की तरफ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो नीचे से ऊपर के मूव करना शुरू कर देते हैं कि उनके पास इतनी एनर्जी आ चुकी होती है कि वो एनर्जी जो है वो उनको ऊपर की तरफ क्या कर देती है, मूव करवा देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई आपकी, बढ़ गई। तो सिक्स पॉइंट ये है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, मौजूद होगी। और एट एनी गिवन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। इसको समझ लेते हैं, फर्स्ट करें हमारे पास एक कंटेनर है उसमें ऑक्सीजन गैस है, दूसरा कंटेनर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तीसरा कंटेनर है उसके अंदर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अगर आपने सबका टेम्परेचर सेम रखा यानी 25 डिग्री के ऊपर रखा हुआ है, तो चाहे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो, चाहे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द मॉलिक्यूल विल हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट कंटेनर्स। कंटेनर डिफरेंट है लेकिन उन डिफरेंट कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन तमाम मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास, सेम होगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्री गैस को जो है वो कंप्लीट कर लिया इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट जो है वो सॉलिड को भी हम पढ़ेंगे। तो ये फोर मास में आमतौर पर आती है, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्री ऑफ लिक्विड सॉरी गैसेस। तो ये आप इसको अच्छी तरह से जो है वो नोट कर लीजिएगा। और ये भी आता है कि एक्सप्लेन लिक्विड स्टेट इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हम चेक लेते हैं सॉलिड स्टेट को। अब सबसे पहले देखें कि ये भी आता है सॉलिड स्टेट क्या होती है, और जो है इन टर्म ऑफ केएमटी आप इसको एक्सप्लेन कर दें, और ये 2014 और 16 के पेपर में ये आमतौर पर आपको जो है नजर आ जाएगी। तो सबसे पहले देखें फॉर काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ फॉर द काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ ये जो है सॉरी लिक्विड के लिए, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये लिक्विड है तो यहाँ देख लीजिएगा। फॉर लिक्विड काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी सजेस्ट दैट द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर फेयरली रैंडमली अरेंज। अब देखें यहाँ आपको पार्टिकल जो है वो अरेंज हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए फेयरली रैंडमली अरेंज होने का मतलब ये है कि देखें इस मॉलिक्यूल के दरमियान गैप ज्यादा है, इन मॉलिक्यूल के दरमियान कुछ भी नहीं है, यहाँ गैप और ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, और यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं। अब देखें यहाँ ज्यादा था और यहाँ मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह आपको अरेंज हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि लिक्विड के अंदर जितने भी आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं वो आमतौर पर फेयरली रैंडमली अरेंज है, यानी आपको अरेंजमेंट तो नजर आ रही है, ठीक है अरेंज हुए हैं, लेकिन फेयरली रैंडमली है सॉलिड के मुकाबले में। सॉलिड के अंदर अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ एक परफेक्ट अरेंजमेंट है, जिस अंदाज से नीचे वाला है उसी अंदाज से ऊपर वाला है, जितना गैप नीचे है उतना ही गैप ऊपर है। तो यहाँ पर आपके पास लिक्विड में क्या है, ये आपके पास फेयरली रैंडमली अरेंज होते हैं बट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर इन विच दे आर वेरी क्लोज टूगेदर, यानी ये इन फेयरली रैंडमली अरेंज तो है लेकिन ये क्लस्टर में मौजूद है, यानी एक साथ झमघटे बना के और एक साथ अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो बकरियों वगैरह रेवड़ होता है वो एक दूसरे से दूर तो होते हैं लेकिन वो एक साथ जो है वो मिले हुए होते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से दिस मेक लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, तो बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से उनका जो है वो एक खास वॉल्यूम जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। तो ये वो पॉइंट है जो आपने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ लिक्विड के अंदर रखना है। ये दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ लिक्विड है। ठीक है, तो क्या चीज आपको समझ में आई कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फेयरली रैंडमली अरेंज हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में और एक दूसरे से करीब होते हैं, यही वजह है कि इनके पास जो है वो एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अच्छा, बट सिंस पार्टिकल स्टेडली फेयरली टू मूव, लेकिन पार्टिकल जो है वो अब भी जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उनकी मूवमेंट को रोक पाए। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी तो है कि वो उनको एक साथ जमा करके तो रख सकती है लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उनकी मूवमेंट को रोक सके।
अब जो पार्टिकल्स हैं आर स्टिल फेयरली मूव कर सकते हैं, यही वजह है कि दे डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन, उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती। अब आप इसको गिलास में अपने वाटर डाला है तो अब इस पानी का जो शेप होगा वो ही होगा जो इस कंटेनर का है। आपने इसको इस कंटेनर में डाल लिया, कॉर्न सिरप में डाल दिया, तो अब इसका जो शेप होगी वही होगी जो कॉर्न शेप की जो बॉटल है उसकी है। तो जूसीज हैं आपने कहीं इसमें डाले तो इनका शेप बिल्कुल वही है जो आपके पास इस कंटेनर का आपके पास शेप है। तो सर यहाँ से आपको जो है वो लिक्विड के बारे में यहाँ तक आपने समझ लिया कि हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और मूव करने की वजह से उनके पास जो है कोई डेफिनेट शेप अपनी जो है वो नहीं होती। ये लिक्विड है, इसको कर रही है। इसके बाद हम आ जाते सॉलिड की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ ये चीज जो अभी मैं आपको बता रहा था, देखिए फॉर सॉलिड काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी पोस्टुलेट दैट मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड। सबसे पहली चीज, मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली पैक्ड है कि देयर इज नो स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के दरमियान कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि क्या खाली हो, ठीक है, और बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। सो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल आर वेरी स्ट्रांग, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि वो जो है उनकी मूवमेंट और पार्टिकल्स कैन नॉट टेक प्लेस, और ये जो पार्टिकल्स हैं वो भी आपके क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, इसमें देखें अरेंजमेंट तो आपको नजर आ रही है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में इनकी जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है, फेयरली रैंडम है, यानी थोड़ी बहुत अगर अरेंजमेंट है भी तो वो ऐसी है कि वो ना होने बराबर है, ठीक है। ये अब ये गैप यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, यहाँ देखें इतना ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ देखें कम हो गया। तो ये और इसके मुकाबले में जब आप इसको कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ आपको नजर आएगा कि हर पार्टिकल एक खास अरेंजमेंट के साथ है। अब जो जिस पोजीशन के ऊपर जो है वो नीचे वाला है, उसी पोजीशन पे जो है वो आपका ऊपर वाला है, उसी पोजीशन के ऊपर जो है उससे ऊपर वाला है, और तमाम पार्टिकल जो है वो आपको एक खास अरेंजमेंट के साथ जो होंगे वो नजर आएंगे। फॉर सॉलिड काइनेटिक थ्योरी पॉसिबल दैट दैट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर पाते, एंड दे फॉर्म अ लैटिस ऑफ वाइब्रेटिंग मास। अब लैटिस उसे कहते हैं, लैटिस की मिसाल ऐसे है जैसे आपने जो है वो दीवार बनाई और दीवार के अंदर आपने ब्लॉक्स जो है वो लगाए, ठीक है। अब देखिए ब्लॉक जो है वो उसका यूनिट कहलाएगा, ठीक है, जो सबसे छोटा होगा वो यूनिट कहलाएगा। अब जब बहुत सारे ब्लॉक बन जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉक आप बना लेंगे दीवार, तो वो दीवार पूरी की पूरी कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी लैटिस, उसको कहते हैं किससे लैटिस। जब हम इस चैप्टर 2 के आखिर में सॉलिड फॉर्म में पढ़ेंगे लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, तो यूनिट सेल क्या है कि वो सबसे छोटा यूनिट जिससे लैटिस मिलके बना है, यानी दीवार पूरी आपकी लैटिस है और जो आपका जो है ब्लॉक है वो आपका क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है। और वाइब्रेटिंग मास, अब वाइब्रेटिंग मास का मतलब ये है कि पार्टिकल्स मूव तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं, और बैक एंड फोर्थ मूव करने की वजह से ये पढ़ा था ना कि जितने भी मैटर में जो है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन लेकिन सॉलिड के अंदर भी मूवमेंट है लेकिन बैक एंड फोर्थ, और बैक एंड फोर्थ होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं पर भी जो है वो मूव नहीं कर पाते, और एक खास अरेंजमेंट के साथ ये जो होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। दिस मेक सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, और यही वजह है कि जो आपके पास सॉलिड होते हैं उनकी जो होती है वो एक खास शेप जो होती है वो आपके पास क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो था वो हमारे पास जो था वो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ सॉलिड थी, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ लिक्विड थी, और काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैस थी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, और आमतौर पर ये जो है वो फोर मास में जो है ये आपके पास आती है, और इसको जो है वो आपने जिस तरह से मैंने लिखा है इसको इसी तरह से आपने जो है वो उसको कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और ये जो है आपका सेक्शन बी में जो है ये आपका आमतौर पे फोर मास में ये आमतौर पर आपके पास आता है।